हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बना है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए वो वरदान है। और वो प्रोडक्ट है लोटस का सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल विथ SPF 50 UVB PA ट्रिपल प्लस UVA। मीन्स ये एकदम इतना प्यारा प्रोडक्ट है, मैं इसको, ये मेरी सेकंड या थर्ड ट्यूब होगी और ये भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। तो मैं सनस्क्रीन डेली लगाती हूँ, ऐसा नहीं है धूप में जाती हूँ तभी लगाती हूँ, मैं सनस्क्रीन हर रोज़ लगाती हूँ तो मुझे सनस्क्रीन चाहिए होता है। लेकिन लोटस का ये सनस्क्रीन मेरा फेवरेट है क्योंकि यही एक ऐसा सनस्क्रीन है जो कि ऑयली वालों के लिए बहुत ही बेस्ट सनस्क्रीन है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली ऑयली नहीं फील होती है और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ब्लैकिश नज़र नहीं आती है, क्योंकि बहुत सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो हम लगाने के बाद हम बहुत अजीब से नज़र आने लग जाते हैं, बहुत पैची पैची या बहुत ग्रिसी ग्रिसी सा लुक आता है। लेकिन ये सनस्क्रीन लोशन बहुत ही प्यारा है और मैंने पर्सनल यूज़ किया है, मेरी अच्छी वाली ऑयली स्किन है तो इसको यूज़ करने के बाद, और ये खुद बोलता है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। और ये क्या वर्क करता है, ये बोलता है अल्ट्रा सूथिंग मैट लुक एंड ऑयल कंट्रोल। मीन्स ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है और आपके फेस को ग्रीसी सा लुक नहीं आता, मैट लुक देता है एक, और बहुत फेस को एक स्मूथिंग प्रोवाइड करवाता है। तो ये एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप सनस्क्रीन लोशन ढूंढ रहे हो, आपकी ऑयली स्किन है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये मुझे सब लास्ट में बोलना चाहिए लेकिन आई लव दिस प्रोडक्ट और मेरे से कंट्रोल नहीं होता है इस प्रोडक्ट को लेके, तो मैंने सब कुछ आपको पहले ही रिव्यू दे दिया कि ये कैसा है, बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्रोडक्ट। एंड प्राइसिंग की पहले हम बात कर ले तो ये है 440 रुपीज़ का और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इट्स वर्थ क्योंकि ऑयल कंट्रोल कर रहा है, 50+ SPF है, UVB है इसमें, PA ट्रिपल प्लस है। फिर जब इतना सारा फुल्ली पैकेज वो आपको दे रहे हैं तो थोड़ा तो कॉस्ट रखेंगे ही, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स कॉस्टली बट इट्स वर्थ प्रोडक्ट, क्योंकि आप जब उसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑयली स्किन वालों के लिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूँ ये इन क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं इनोवेटिव सनब्लॉक विच इज़ टोटली नॉन ऑयली एंड प्रोवाइड ए फ्रेश एंड क्लीन फिनिश टू द फेस नेक एंड हैंड्स। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल फ्रॉम ऑफ सन इंक्लूडेड डैमेज, स्किन टैन, स्किन बर्न, प्री मैच्योर एजिंग एंड स्किन कैंसर। आपकी फाइन लाइन और रिंकल्स हो जाते हैं, हमें पता है, हम सोचते हैं कि हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स हमारे एज के अकॉर्डिंग होते हैं या हम अच्छे से फेस को ध्यान नहीं रखते इसलिए होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी फाइन लाइंस और जो आपकी एजिंग बहुत जल्दी नज़र आने लग जाती है वो होता है आपकी स्किन को जो सन डैमेज करता है उसके लिए, उसके बाद ही होती है। इतना ज़्यादा धूप में जाएंगे या सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी स्किन बहुत जल्दी डल लगने लग जाती है और आप बहुत मतलब एजिंग इफेक्ट जो आता है आपके फेस पे वो आने लग जाता है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। ये जो स्किन कैंसर हो जाता है हमारे सन से, सन रेज के कारण, तो उसको भी वो प्रिवेंट करता है। मतलब जो ये एक तरह से सनस्क्रीन लोशन तो है ही है, लेकिन इसके बाद अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो जाती है या आपके सनबर्न हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, तो उनको भी वो रोकता है। ये होने के बाद भी अगर आप इसको लगा लोगे तो वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है। और फ्रेंड्स, मैं मतलब इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और मुझे पता है ये 100% अपना रिजल्ट देता है आपको। मतलब सन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसका एक ही सॉल्यूशन है, दिस इज़ लोटस सेफ सन। और चलो मैं आपको बताती हूँ ये कितना ml है। 100 grams है, 440 400 grams, और ये आपका इजीली 2-3 months चल जाता है प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना सा लेना पड़ता है और वो अच्छे से आपकी स्किन पे लग जाता है। ये मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से है इसकी पैकेजिंग, ट्यूब पैकेजिंग आती है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। और सनस्क्रीन हमें ट्रैवल फ्रेंडली चाहिए होता है क्योंकि आप बाहर जाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए और साथ में भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि एवरी 2-3 hours जितना आप सन में रहते हो आपको रीअप्लाई करना चाहिए अपना सनस्क्रीन। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है और ऐसी पैकेजिंग में आता है, और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आप देखोगे मेरा थोड़ा सा पिचकू पिचकू हो रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट ये फिनिश प्रोडक्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस कंडीशन में आया है। बाकी इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी फ्लफी फ्लफी रहती है, इस तरीके से रहती है, अच्छी सी दिखती है। तो ओह शिट, तो इस तरीके से ये
क्रीमी बेस में, सॉरी क्रीमी बेस में नहीं है, ये जेल बेस में है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जेल है इसका, और बहुत जल्दी से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, और आप देखोगे बिल्कुल भी ऐसे ऑयली ऑयली स्टिकी स्टिकी आपको नज़र नहीं आएगा, ये जल्दी से आपके फेस पे एकदम मेल्ट होके और एकदम मैट लुक देता है, ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया। आप देख सकते हैं आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या कि मेरे हैंड्स पे कुछ है, एकदम बिल्कुल भी ऑयली नज़र नहीं आता है ये, और एक एक फिनिश दे के जाता है आपके फेस को, एक मैट लुक दे के जाता है, तो ऑयल कंट्रोल भी करता है, एक मैट लुक भी देता है और ऑयली भी नहीं नज़र आता है। तो ये प्रोडक्ट 100% बेस्ट प्रोडक्ट है और ये मेरा फेवरेट है यार, तो मैं पता नहीं इसको कितनी बार परचेज कर चुकी हूँ, तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इसको रीपरचेज करूँगी या नहीं करूँगी, ये मैं इसको परचेज करती ही हूँ और अभी मुझे करना ही पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है मेरा। तो ये था मेरा लोटस सेफ सन फॉर ऑयली स्किन और नॉर्मल टू ऑयली स्किन, लेकिन ऑयली स्किन वाले तो डेफिनेटली इसको एक बार परचेज कर लो यार, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखो, और सनस्क्रीन लोशन आपको लगाना ही चाहिए गाइज, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ एक हैबिट डाल लो, सनस्क्रीन लोशन लगा के ही आप बाहर निकलो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो और रिव्यू मेरा लोटस सेफ सन माय फेवरेट प्रोडक्ट पे, तो आपको ज़रूर से मेरा वीडियो तो पसंद आया ही होगा, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, बेल बटन के आइकन को भी हिट कर लो।